हे दोस्तों, मॉफी ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया फोर आर्म्स। फोर आर्म्स घर के लिए करेंगे, फोर आर्म्स जो है घर के लिए, ठीक है। तो हम घर पे करके दिखाएंगे आपको कि फोर आर्म्स कैसे बनते हैं घर पे, नो इक्विपमेंट्स, ओके। तो इसके लिए हमें पांच एक्सरसाइज है जो आपको मैं बताऊंगा और वो घर पे ही आपको करनी है। और चलो, पहले जो एक्सरसाइज है वो एकदम नॉर्मली पुशअप्स, ठीक है। हम जो है नॉर्मली पुशअप्स करेंगे, जैसे कि नीचे जा रहा हूँ। और इससे क्या है कि नॉर्मली पुशअप्स के लिए क्या रहेगा कि आपके लिए थोड़ा बहुत इस पर असर पड़ता है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर थोड़ा ऊपर करके नॉर्मली पुशअप्स, ये ठीक है, ये आपको करनी है जितनी आप लगा सकते हैं। तो जैसे चाहिए आप 15 लगा रहे हैं, 20 लगा रहे हैं, ठीक है, कितने आप लगा सकते हैं इसके ऊपर आपके। तो इससे क्या है कि थोड़े हाथ फोरआर्म्स भर जाते हैं हमारे। तो इसके अलावा हम दूसरी कोई एक्सरसाइज करते हैं तो जरूरी से करना ही है, ठीक है। तो हमारी ये पहली एक्सरसाइज, ओके। क्या है कि इससे फोरआर्म्स थोड़े भरने लगते हैं, टाइट होने लगते हैं, और दूसरी तीसरी जो एक्सरसाइज करते हैं उनमें असर दिखना स्टार्ट हो जाता है, ओके। और जो सेकेंड एक्सरसाइज हम लेंगे, सेकेंड एक्सरसाइज का जो होता है, हम एक ईंट ले लेते हैं, कोई ईंट ले, ईंट हमारे पास, ईंट के लिए क्या करेंगे हम, ये कर लेना है और ये, ठीक है, ये करना हमें ईंट लेकर, ये जितना आप लगा सकते हैं और ऊपर ले जाकर एकदम धीरे धीरे करना, धीरे धीरे नीचे लाना, धीरे ऊपर नीचे धीरे, ऐसे ये। तो ऐसे करते रहना हमें जितना हम लगा सकते हैं। और इसके भी हमारे आप लगा सकते हैं 3 सेट या फिर 2 सेट, और रेप्स आप जितना हमारे पास 10, 15, 20, ये हो गया, ये हमारे इसके हो गए, ये हमारे कंप्लीट हो गए सेकंड एक्सरसाइज। और जो थर्ड एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज भी हमारे पुशअप्स के जरिए, लेकिन पुशअप्स में थोड़ा चेंजेस है, ठीक है। पुशअप्स हम पूरा ये मानते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा पुशअप से अलग करेंगे। ये देखिए, ये है तो ये हाथ थोड़ा ऊपर है और ये लेना है, ये कि हाथ थोड़ा ऊपर है, ये नीचे नहीं देखना है, ये इसे नीचे नहीं देखना बिल्कुल भी, ओके। इसका भी आप जितना लगा सकते हैं, ये ओके। ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई, 3 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और जो फोर्थ एक्सरसाइज है, फोर्थ एक्सरसाइज भी हम ईंट लेंगे, ईंटों के जरिए हमें करना है, ठीक है। तो ये हमें ईंट ले लिया यहाँ पर, ये ईंट ले लिया हमने यहाँ पर, और इसमें क्या करना, ये करना, ये जितना आप कर सकते हैं ये नीचे कर दें, ओके, ये करना है, ये थोड़ा घुमाइए यहाँ लाकर, लॉक कीजिए, घुमाइए, लॉक कीजिए, ओके। ये हम लाकर लॉक कर देना, जो कि यहाँ पर आपके फॉरआर्म से तो टाइट हो, ओके। ये ही करना आपको, और करते रहना जब तक आप थक नहीं जाए, क्योंकि ये 2-2 सेट या 3-3 सेट आप आ सकते हैं जितना आप लगा सकते हैं, और इससे बहुत जल्दी इफेक्ट आएगा आपके करते हैं तो, ओके। ये हमारे हो गए ईंटों से, ये ईंटों से हो गया है। तो अब जो फिफ्थ एक्सरसाइज है, फिफ्थ एक्सरसाइज क्या करेंगे हम, जैसा हमने ये ईंट लेंगे, ईंटों को ये कर देंगे, ओके। तो ईंट ये करने के बाद हमें ये नीचे जाना है, और अगर नीचे इससे बस ये करना है, नीचे देखना नहीं है, ये तो ये है कि आपकी बहुत ज्यादा इफेक्टिव देता है। इसे 10-15 करना तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल।
तो ये हमारी मान है सर सर पूरी कंप्लीट हो चुकी है ओके जैसा आप देख रहे हैं मैं आपको पांच एक्सेस के बता दिए और फोर आर्म्स का भी थोड़े टाइप हो चुके हैं और जैसे ही आपके भी टाइप हो जाएंगे और आप इन्हें कीजिए एक मंथ तक चले जाए कि आपके जो फोर आर्म्स है बड़े हो जाएंगे ओके और हम फोर आर्म्स ज्यादातर इसलिए बनाते हैं लड़के जो हम फॉर्मल पहनते हैं वो लूज नहीं रहे अगर हमारे फोर आर्म्स है मोड़ दें तो लूज नहीं रहते हैं तो काफी अच्छा लगता है और देखने में एकदम परफेक्ट नजर आता है इसलिए हम ये फोर्म्स बनाते हैं और आप ये फाइव एक्सरसाइज कीजिए जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल मिलेगा इससे और बहुत ही ज़्यादा असर आपको नजर आएगा ओके तो चैनल को आप लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि ये एक्सरसाइज कैसी लगी आपको और कितना आपको असर दे रही है ओके।